हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको इस वीडियो में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताने वाला हूँ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको अच्छे से समझना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हम डिफिनेशन लिखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिफिनेशन क्या होता है। तो ए फ्रैक्शन हूज नोमिनेटर नोमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डेनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, ए फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका अंश हर से बड़ा हो या फिर उसके इक्वल हो, मतलब उसके बराबर हो, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जिसका अंश उसके हर से बड़ा हो या फिर उसके इक्वल हो, उसके बराबर हो, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे मैंने लिखा 11/7 इक्वल 25/12, ठीक है, 41/36, 53/53। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, अंश क्या है, जो नोमिनेटर है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर जो है क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 11/7 है तो क्या है, हर से बड़ा है। यहाँ पर अंश, यहाँ पर क्या है 25/12, अंश क्या है, हर से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 41/36, यहाँ पर अंश क्या है, हर से बड़ा है। यहाँ पर देखिए 53/53, यहाँ पर क्या, अंश जो है हर के इक्वल है, बराबर है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका अंश जो है हर से बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो। ठीक है स्टूडेंट, ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफिनिएशन। ठीक है, अब मुझे पूरा उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको इस वीडियो में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट।